पासी का फेंका हुआ फंदा कभी भी चूक नहीं सकता, तो आप बात की नज़र और पासी के फंदे पर शक कभी मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे लड़ाका प्रजाति के बारे में जो भारत में पाई जाती है और भारत के इतिहास में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। कोई भी सेना रही हो, कोई भी राजा रहा हो, कोई भी युद्ध रहा हो, ये योद्धा प्रजाति उस युद्ध में जरूर सम्मिलित हुई है। तो आज हम बात करेंगे पासी बिरादरी के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे पासी भाइयों के बारे में और उनके उपजातियों के बारे में। ये भारत में पाई जाने वाली योद्धा प्रजाति है। भारतीय सेना, जो प्राचीन भारतीय सेना यानी कि पुराने इतिहास में जो भारतीय सेना रही है, चाहे वो महाराणा प्रताप की सेना रही हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान की सेना रही हो, चाहे शिवाजी की सेना रही हो, सभी सेनाओं में एक पासी प्रजाति की एक विशेष पंक्ति पाई जाती थी। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पासी प्रजाति के बारे में और उनके युद्ध ज्ञान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे कि ये पासी शब्द कहां से आया। पासी शब्द जो है वो पाश से, हिंदी शब्द पास से निकलकर बाहर आया है। पाश का अर्थ होता है बंध, बंधन या फिर फंदा। तो वो प्रजाति जो भारत में फंदा, बंधन या बंध लगाने में माहिर थी, जो जाल बिछाने में माहिर थी, वो प्रजाति पासी प्रजाति कही जाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में या पुराने इतिहास में या भारत के इतिहास में जब भी युद्ध लड़े गए, वो बड़ी सेनाओं के युद्ध लड़े गए। कोई छोटा युद्ध, एक दो लोगों का एकल युद्ध नहीं लड़ा गया। बड़ी बड़े सेनाएँ यहाँ पर चढ़कर आई हों, चाहे वो अब्दाली की पानीपत 3 का युद्ध रहा हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध रहा हो, सभी में आमने सामने दो बड़ी सेनाओं ने युद्ध लड़ा है। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि जब दो बड़ी सेनाएं युद्ध लड़ती हैं तो उस सेना में सैन्य प्रबंधन का भी एक बहुत बड़ा भागीदारी रहती होगी, बहुत बड़ा योगदान रहता होगा। सैन्य प्रबंधन एक बहुत बड़ी आवश्यकता रहती होगी। ऐसे में जब भारतीय सेनाओं में सैन्य प्रबंधन की बात होती है तो उसमें एक ऐसी पंक्ति होती थी जो फंदे लगाने में माहिर होती थी। जब कभी हम युद्ध पहाड़ चढ़कर लड़ते थे या फिर हमें कभी किसी किले को फतह करना होता था और हमें किले में फंदा लगाना होता था, तो एक पंक्ति का नाम सेनापति लेता था और कहता था, पासी प्रतिघात। ये वही प्रजाति है जो उस वक्त तुरंत फंदा लगा देती थी, जिसके सहारे सैनिक चढ़ना शुरू हो जाते थे और ये कला में इतने माहिर थे कि पासी का फेंका हुआ फंदा कभी भी चूक नहीं सकता। तो आप बाज की नज़र और पासी के फंदे पर शक कभी मत करिएगा। तो दोस्तों, आप चलते हैं, ये हो गया पासी शब्द की उत्पत्ति। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिससे हम पासी बिरादरी को हल्का समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये एक युद्धक प्रजाति रही है भारत की। आप चलते हैं, इनमें कौन कौन सी उपजातियां पासी बिरादरी में पाई जाती हैं। हालांकि समय के मार के साथ साथ ये लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, क्योंकि इनकी जॉब चली गई। हमारे यहाँ के राजा जब युद्ध हारे तो इनके धीरे धीरे इनका पतन होना शुरू हो गया और ये पूरे भारत में थोड़े थोड़े संख्या में बिखर गए और आज पासी बिरादरी कुछ दयनीय स्थिति में होती चली जा रही है। लेकिन अगर आप बिहार में देखें तो वहाँ पर इसकी स्थिति थोड़ी अच्छी हुई है, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं कहा जा सकती है। अगर आप देखेंगे तो आपको पासी बिरादरी के लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी उपजातियाँ आती हैं। तो पासी प्रजाति की जो जनगणना हुई सन 1961 में, उसके आधार पर इसमें 20 उपजातियों को शामिल किया गया है। वो क्रमशः राजपासी, चौरासी पासी, कैथवास पासी, गुजर पासी, पसमंगता या माहे पासी, नंबर 6 भर पासी, आरख पासी, त्रिशूलिया, कमानी, ब्यात, प्रहरी, घुड़चड़ा, खटीक, पासवान, चिड़ियामार या चिड़ीमार, बहेलिया, मवासी, जैसवार, बैरिया और बिहारी आदि शामिल हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने सरनेम को आज के आधुनिक युग में कुछ नए नामों के साथ लिखना शुरू कर दिया है। उस सरनेम में रावत, सरोज, चौधरी, बहेलिया आदि शामिल हैं। तो ये वो बिरादरी है जो पास बनाती थी, जो बंध बनाती थी, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रस्सियों को बनाती थी। ये वही प्रजाति है जिसने भारत भूमि की सेवा और भारत माता की सेवा अपनी पूरी लगन और निष्ठा से किया है। यदि आप आज देखें तो इस प्रजाति के लोग रस्सी, बंधन, फंदे आज बनाने के व्यवसाय में आज भी आपको आगे मिलेंगे। तो ये वही योद्धा प्रजाति हैं जो गुमनाम हो गए, जो खो गए कहीं पर। इनका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए और हमें जब भी किसी पासी भाई से मिले तो हम जाने कि ये कोई एक आम इंसान नहीं या एक आम मानव नहीं है। पुराने प्राचीन युद्धों में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार भट्ट आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। जय हिंद।